आजकल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की खूब चर्चा है। दुनिया में इसका डर तेजी से फैल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कोरोना के इस नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम पर होता। मगर ऐसा क्या हुआ जो इसके नाम को बदलना पड़ा? कोरोना का नया वेरियंट आया, वही पुराना डर लाया। कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1.529 जिसे ओमिक्रॉन नाम भी दिया गया है, उस पर हिंदुस्तान में ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी जिस फाइल को पढ़ रहे हैं उस पर बिग फॉन्ट में लिखा है COVID-19 पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स ब्रीफिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के सामने स्क्रीन पर 17 टॉप अधिकारी और मेडिकल एक्सपर्ट मौजूद थे, जिसमें गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल शामिल थे। मीटिंग का एक ही एजेंडा था, कोरोना के नए खतरनाक वेरिएंट से देश को कैसे बचाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी तैयारी है, किस चीज की कमी है, इस पर डिटेल में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने क्या पूछा, एक्सपर्ट ने क्या जवाब दिया, पीएम मोदी ने क्या निर्देश दिए, एक एक पॉइंट बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आखिर कोरोना के इस नए वेरिएंट से दुनिया इतनी सहमी क्यों है। नई दिल्ली से 8000 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका इस वक्त हाई अलर्ट पर है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक 29 लाख कोरोना केस रिकॉर्ड हुए हैं, 89,783 लोगों की मौत हुई है और करीब 19,938 ही एक्टिव केस हैं। लेकिन 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में ऐसी खबर आई जिसने पहले WHO को चौंकाया, फिर पूरी दुनिया को डराया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का ऐसा वेरिएंट सामने आया जो सबसे खतरनाक, सबसे तेजी से फैलने वाला और जिस पर वैक्सीन भी कम असरदार है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी ऐसा वेरिएंट जिसको लेकर चिंता करनी चाहिए। ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली काफी चिंताजनक है। इस वेरिएंट में कई म्यूटेशन हुए हैं, कुछ ऐसे म्यूटेशन भी हैं जो डराते हैं। इस वक्त इस वेरिएंट पर स्टडी भी चल रही है, साउथ अफ्रीका में रिसर्च हो रही है, साथ ही जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है वहाँ पर ट्रैकिंग की जा रही है। अभी इस पर काफी कम जानकारी है, अभी और रिसर्च की जरूरत है। जैसे WHO को नई जानकारी मिलेगी वो लोगों के साथ इसको साझा करेगा। ओमिक्रॉन इतना खतरनाक क्यों है? WHO इस वेरिएंट को लेकर दुनिया को क्यों बार बार वार्निंग दे रहा है, ये जानने के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट की जन्म कुंडली समझनी होगी। दुनिया ने अब तक 2020 में आए कोरोना वायरस और साल 2021 में आए डेल्टा वेरिएंट का कहर देखा है और अब ओमिक्रॉन का खौफ फैलने लगा है। जो चीन से पहला कोरोना वायरस आया था उसमें अब तक 50 म्यूटेशन हो चुके हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन मिले हैं जबकि डेल्टा वेरिएंट में 15 म्यूटेशंस मिले थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से काफी तेजी से फैल सकता है। इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन NSP6 भी गायब है जो इसे और संक्रामक बना सकता है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षणों में कोई फर्क नहीं है। 2020 में दुनिया ने पहली बार कोरोना का प्रकोप देखा था, 2021 में भारत समेत पूरी दुनिया में डेल्टा का मौत का खेल देखा और अब ओमिक्रॉन सिर उठा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की साउथ अफ्रीका, हांगकांग, मानना है, नामीबिया, जिम्बाब्वे, लेसेथो और स्वातनी में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट्स केसेस हो सकते हैं। इसीलिए अमेरिका, कनाडा और ब्राजील ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रोक लगाई है। ब्रिटेन समेत यूरोपियन ने भी फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। सऊदी अरब, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया ने भी नए वेरिएंट के मद्देनजर ट्रेवल बैन लगाया है। भारत सरकार भी ऐसे देशों से आने वाली फ्लाइट में रोक लगाने का विचार कर रही है। हर देश इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को अपनी सरहद से दूर रखने की कोशिश में लगा है और सबसे ज्यादा पैनिक साउथ अफ्रीका में, जहां पर लोग लॉकडाउन और इंटरनेशनल फ्लाइट बंद होने से पहले हर हाल में निकलना चाहते हैं। यहाँ लॉकडाउन लगने से पहले मैं उनके पास जा रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब वापस आ पाऊंगी, लेकिन फ्लाइट पकड़ने के लिए मुझे अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। मैं सोमवार को ही यहाँ अपने परिवार से मिलने आया था और कल रात ही मुझे पता चला कि सब कुछ फिर बंद होने वाला है और मैं जल्द से जल्द अब इंग्लैंड वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो इंग्लैंड में मुझे होटल में क्वारंटीन में।
दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है। इस वक्त भी अमेरिका कोरोना से जूझ रहा है। अमेरिका में 94,11,096 एक्टिव केस हैं। पिछले हफ्ते से अमेरिका में रोजाना 1,00,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। हर रोज 500 से 1500 तक मौत का आंकड़ा पहुंच रहा है और अमेरिका में 59% लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है। अमेरिका अभी तक डेल्टा वेरिएंट के कहर से सतर्क होने की जरूरत है। साउथ अफ्रीका और बाकी 6 देशों से कोई यात्रा नहीं होगी। जो अमेरिकी वहां है वो वापस आ सकते हैं। हमें अभी इस नए वेरिएंट के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत तेजी से फैल सकता है। मैंने सुबह आधे घंटे तक अपनी कोविड टीम के साथ मीटिंग की है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। यही हाल पूरी दुनिया का होने लगा है। विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा कोरोना से मौत ब्राजील में हुई है। ब्राजील के पास ना खुद की वैक्सीन है ना वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधा। वहाँ के राष्ट्रपति ने अभी से हर किसी को सावधान करना शुरू कर दिया। सब कुछ हो सकता है, नया वेरिएंट, इसके जैसा नया वायरस। अब आपको क्या करना होगा, खुद को तैयार करो। दुनिया और ब्राजील एक और लॉकडाउन नहीं झेल सकते। अकेलापन भी लोगों को मार देता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमको सच का सामना करना है। कोरोना के नए वेरिएंट का साइंटिफिक नाम B.1.1.529 है, लेकिन इसको WHO ने ओमिक्रोन नाम दिया है। इस नाम के पीछे अब चाइनीज एंगल है और अब WHO की आलोचना भी होने लगी है। कोरोना अब तक 12 बार रूप बदल चुका है, मतलब अब तक कोरोना के 12 वेरिएंट आ चुके हैं, जिनको ग्रीक अल्फाबेट्स के आधार पर नाम दिए गए हैं। जैसे जो डेल्टा वेरिएंट था वो कोरोना का 4th वेरिएंट था, ऐसे ही बीटा, गामा, लैम्डा वेरिएंट है। ग्रीक अल्फाबेट्स में 12 शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। अब बारी थी NU की और फिर शी की, लेकिन WHO ने 2 शब्दों को जोड़ते हुए सीधे ओमिक्रोन का इस्तेमाल किया। WHO पर आरोप लग रहे हैं कि शी से इसलिए WHO हट गया क्योंकि नए वेरिएंट को लोग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जोड़ते थे। WHO लाख कोशिश कर ले, लेकिन दुनिया जानती है कोरोना चीन की ही देन है। इस बार साउथ अफ्रीका से नया वेरिएंट सामने आया है और दुनिया साउथ अफ्रीका की तारीफ कर रही है। आखिर क्यों, वो इसराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट से सुने। मैं दक्षिण अफ्रीका के मेडिकल सिस्टम और खासकर की उनकी सरकार की तारीफ करना चाहूंगा, जिन्होंने नए वेरिएंट से जुड़ी सारी जानकारी साझा की है। नया वेरिएंट चिंता का विषय तो है और ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसे लेकर हम रेड अलर्ट जारी करने वाले हैं। हम इस वक्त इमरजेंसी की चौखट पर खड़े हैं। 2 हफ्ते पहले ही इसराइल ने ऐसे हालात से निपटने के लिए एक नेशनल ड्रिल भी की थी। चीन और साउथ अफ्रीका में यही फर्क है। चीन ने कोरोना को दुनिया से छुपाया, महामारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। नतीजा, पूरी दुनिया कोरोना से बर्बाद हो गई, जबकि सही वक्त में साउथ अफ्रीका ने विश्व को नए खतरे से चेता दिया, दुनिया को लड़ने और तैयार करने का मौका मिला। अब बात हिंदुस्तान की, जहां पर इसी साल डेल्टा वेरिएंट ने जबरदस्त तबाही मचाई। इस वक्त भारत के हालात काफी स्थिर हैं। देश कोरोना की सेकंड लहर से उबर रहा है। वर्ल्ड मैप में जो येलो स्पॉट आप देख रहे हैं, वहां पर कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसमें लगभग पूरा यूरोप और अमेरिका है। रूस भी कोरोना से जूझ रहा है, जबकि जो लाल स्पॉट है वहां पर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रोन ने दस्तक दी है, जबकि नीले रंग में भारत है, जहां पर कोरोना कंट्रोल में है। कोरोना क्या क्या कर सकता है, कितनी जान ले सकता है, कैसे अस्पताल और शमशान का फर्क खत्म हो सकता है, ये इसी साल देश ने देखा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अभी से कोरोना से नई जंग की तैयारी करने में जुट गए। कोरोना के नए वेरिएंट पर 2 घंटे की मीटिंग में मोदी ने अधिकारियों को राज्यों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर समीक्षा करने को कहा। कोरोना के वक्त दवाइयों की कमी ना हो, इसके लिए तैयारी करने को कहा। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती जारी रखी जाए। ओमिक्रोन वेरिएंट के बारे में रिसर्च करने को भी कहा गया। इसके अलावा पीएम ने कहा कि नए वेरिएंट से जनता को जागरूक करना होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट की योजना की समीक्षा की जाए, वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाना होगा, कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए।
ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी अभी किसी को नहीं है। दुनिया में अलग अलग स्टडी चल रही है। हालांकि अब तक इतना जरूर पता चला है कि वैक्सीन इस पर पूरी तरह से कारगर नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन के जानलेवा अटैक को वैक्सीन कम जरूर कर देगी। अभी वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है, यही बात दक्षिण अफ्रीका की जनता भी कह रही है। चलो और वैक्सीन लगवाओ, खासकर मेरे उम्र के लोगों को खुद का ख्याल रखना चाहिए। वैक्सीन पर जो मेरी राय है, कुछ लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते क्योंकि इससे मौत तक हो सकती है, लेकिन मैं वैक्सीन जरूर लगवाऊंगी। मैं तो बस इतना कहूंगा कि लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डरावना वक्त है। जितनी जल्दी हो उन्हें वैक्सीन लगवानी होगी। भारत में अब तक 1,21,87,00,000 वैक्सीन डोज लग चुकी है, जिसमें 78,30,00,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 43,57,00,000 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। अगर आपने वैक्सीन की एक भी डोज अभी तक नहीं ली है तो तुरंत वैक्सीनेशन के लिए जाएं, मास्क पहनें और दूरी का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे हालात दुनिया में बन रहे हैं वो खतरे की घंटी बजा रहे हैं, और इस खतरे से भारत को बचाना है तो वैक्सीन लगवानी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।